वाले किसान कोई शौक नाल नहीं मतलब पराली साड़दा, ये किसान की मजबूरी है। असि सानू पता है भी साढ़े ते किन्ना असर होंदा उहदा माड़े धुएं दा जां किस तरह। ये हमारा सुखबीर एग्रो का बायोमास का प्लांट है, वेस्ट टू एनर्जी इसको बोलते हैं। ये हमने 2019 में हमने यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। बेसिकली पराली बेस्ड प्लांट है ये, तो टोटल पराली स्ट्रॉ से चलता है। और पराली जो है हम किसानों से परचेज करते हैं, इसके अंदर 600 टन डेली का कंजम्पशन है हमारा। तो हमारे को एक साल में तकरीबन 2 लाख टन हम पराली परचेज करते हैं। जब से हमने पराली का प्लांट चालू किया है तब से मतलब यहाँ की रिपोर्ट है कि लोग बोलते हैं कि अब हम जैसे पराली के टाइम पे जब जलाते थे धुआं इतना होता था, पोल्यूशन होता था, अस्थमा दमा ये लोग जो बीमारियाँ बढ़ रही थी उसको ख़त्म करने में सहायक है ये। बेलर मशीन जी वो लगभग 9-10 लाख की 9 to 10 लाख के बीच उनका रेट है मतलब। तो वो भी हुण लोगों का नुकसान हो गया उदो बाद बंद होने करके, हुण इत्थे नेड़े तेड़े प्लांट रहा नहीं कोई, दूर वारा नहीं खाता दूर, क्योंकि जे इच्छों आप लैके जावे उनके ट्रांसपोर्ट खर्चा इन्ना पै जाता। सो पहला सारे ही पराली साड़ते ही, जो प्रोजैक्ट आ गया इन्ना वधिया साडा सिस्टम बन गया सी इत्थे, खास करके पटियाले जिले का, क्योंकि वो पराली वरती जाती सी, एक तो अग्गां लगन तो बच गया सी, वातावरण बड़ा साफ रहिंदा सी, एक लोगों नूं रुजगार मिलिया होया सी, इत्थे होर जनानियां विच कम करी जांदियां सी, आम जिहड़े विचारे गरीब बंदे जिन्हां नूं अजकल लेबर नहीं मिलदी उन्हां नूं लेबर मिल जांदी सी करन नूं, 75-80% मतलब उहदे नाल ही साफ करदे सी, कोई 10-15% 20% मान लो आपां वी कोई अग लाउंदा होएगा, नहीं तां नहीं लाउंदा सी। ते हुण फिर उही प्रॉब्लम आ गई, छोटे बेलर वालों को तो सब्सिडी मिलती है लेकिन बड़े बेलर वालों को सब्सिडी नहीं मिल रही, जबकि कामयाब इसमें बड़े बेलर हमारे बहुत हैं, क्योंकि वो एक बेलर 100 एकड़ एक दिन में बेल कर देता है। अब अगर उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करे जैसे छोटे बेलर वालों के टाइम किया, तो फिर बड़े बेलर जितने ज़्यादा आएंगे उतनी ज़्यादा हम पराली उठा पाएंगे, उतना स्मोक नहीं होगा। पंजाब स्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड PSPCL, दे आर रेडी टू बाय द पावर एट द रेट ऑफ ओनली 4 रुपीज एंड द पावर कॉस्ट टू द डेवलपर एट 8+, तो देर इज़ अ गैप। फॉर फिलिंग दैट गैप, दैट इज कॉल्ड वायबिलिटी गैप फंडिंग, वी आर रिक्वेस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अस 5 रुपीज पर KWH एज द इंसेंटिव वायबिलिटी गैप फंडिंग। अनलेस दैट इज देयर, no developer will come, there are only discussions and advisories, no concrete solution. For the last 2 years at the honorable chief minister level we have pursuing the case, but nothing has happened. Initially we did R&D to see that if whether the briquette can actually be manufactured from paddy straw. We have set up 2 first-of-their-kind demonstration units for ex situ management of paddy straw through briquetting.
only the larger companies which have set up, specifically set up biomass based boilers, they are able to use paddy straw briquettes, but the other boilers, they are not, they are conventional boilers. The existing boilers need little modifications, but that will become clear after the trials are, the results of trials are in front of us. There are industries which are looking for alternate green fuels. Capital investment is required, definitely, and this is a capital investment which is not like a typical VC or a PE, because VC invests, they think that like an app, mobile application or a IT industry, there money should get 4 times, 5 times in a very short period of time. But this process is very capital intensive, so we are looking for investments which is more long-term, and also which is focusing on more sustainability perspective, so rather than returns perspective.